हम बात कर रहे हैं सेंट्रियम कैपिटल की। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में हमको 1% तक के अपसाइड के साथ फिलहाल स्टॉक ट्रेड करता नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं स्टॉक इस वक्त जो है 40 रुपीज़ पर फिलहाल हमको ट्रेड करता नज़र आ रहा है। गिरावट के बाद स्टॉक ने बाउंस बैक किया है और हम देख सकते हैं इस वक्त जहाँ स्टॉक ट्रेड हो रहा है वो इसका रेजिस्टेंस एरिया ही है। सेंट्रियम कैपिटल 40 के लेवल पर जो ट्रेड हो रहा है इसका रेजिस्टेंस एरिया है, जिसको ब्रेक डाउन कर चुका था। ये सपोर्ट था पहले, अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ से आप सेंट्रियम कैपिटल का खेल पलटते नज़र आ सकता है, लगातार तेज़ी दिखाता नज़र आ सकता है। एक जंप आया, गिरावट आई थी, गिरावट के बाद अगेन एक जंप के बाद गिरावट, तो अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन नहीं किया स्टॉक ने, सेम सपोर्ट से सपोर्ट लेकर बाउंस बैक होता नज़र आ रहा है। तो यहाँ से खेल पलटता नज़र आ सकता है। नीचे की ओर जहाँ से सपोर्ट लेकर रिकवरी दिखाई है, 38 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। ब्रेक डाउन कर जाता है तो सबसे आखिरी सपोर्ट 34 का रहेगा, बड़ी गिरावट के साथ जहाँ सपोर्ट लिया था 34 का लेवल। अब नज़रें बनी हुई है 40 के लेवल पर। आज के दिन इसका ब्रेकआउट करके इसके ऊपर क्लोजिंग दिखाने के चांस पूरे बनते नज़र आ रहे हैं स्टॉक में। अगर इसको ब्रेकआउट कर गया तो वैसे कंडीशन में नेक्स्ट टारगेट बनेगा 42 का लेवल। 42 के ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर 44 से लेके 46 तक का जंप स्टॉक दिखा सकता है। 46 का लेवल, इस पर थोड़ी सी नज़रें होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले स्टॉक ने 46 के लेवल से रिजेक्शन दिखाकर गिरावट दिखाई है। तो पता चलता है कि 46 का लेवल इसके रेजिस्टेंस का आप रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी स्टॉक ने सेम लेवल से गिरावट दिखाई थी ना, तो आप यही लेवल दोबारा से रेजिस्टेंस का काम करेगा। 46 का ब्रेकआउट इम्पॉर्टेंट रहेगा लगातार तेज़ी के लिए। अगर 46 के लेवल से बड़ा सेलिंग नहीं आता, स्टॉक इसके आसपास सस्टेन कर गया, तो फिर ब्रेकआउट के चांस बनेंगे। वैसे कंडीशन में हमको फिर 48 से लेके 50 तक का जंप सेंट्रियम कैपिटल दिखा सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।